हाय, मैं हूँ जुएल। आप देख रहे हो टेक गाइड। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे एंड्रॉयड फ़ोन में कैसे गूगल असिस्टेंट इनेबल कर सकते हो। तो ये मेरा नया रेडमी 4A मोबाइल है। कल इसका अनबॉक्सिंग वीडियो करा था, आप जाके देख सकते हो अनबॉक्सिंग का वीडियो मेरे चैनल पे। तो देख लेते हैं कैसे। तो मेरा ऑलरेडी इनेबल करा हुआ है, तो गूगल असिस्टेंट ऑनलाइन पे भी वर्क करती है और ऑफलाइन पे भी वर्क करती है। तो मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। आप अपना होम बटन को 3 सेकेंड टाइम प्रेस करके रखना है। हु आर यू? I'm your Google assistant. How can I help you? How are you? I feel ready to help. Anything I can do for you? No, thanks. Here's the top search result. इसको बोल के आप कोई भी काम करवा सकते हो। तो बहुत बढ़िया चीज़ बनाया है गूगल ने। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे इनेबल करना है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। और एक बात मैं बोल दूँ, गूगल असिस्टेंट मार्शमेलो और नोगट के लिए अवेलेबल है, लॉलीपॉप के लिए अभी अवेलेबल नहीं किया है। तो इंडिया पे भी अवेलेबल नहीं है, US पे है। तो आपको US का लैंग्वेज सेट करके आपको करना पड़ेगा। इंडिया पे आने से शायद हिंदी में भी आप बोल सकते हो। वेट करते हैं कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाके आपको इधर गूगल सर्च करना है। गूगल प्ले सर्विस गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च करने के बाद ये जो गूगल का ऐप है इस पे जाना है आपको। मेरा आगे से रेडी है इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है, ये आपका भी ऐसे ही होगा। आपको कोई भी अपडेट का ऑप्शन आए तो अपडेट कर लेना होगा। उसके बाद आपको एकदम स्क्रॉल करके नीचे जाना है। और भी नीचे इधर देख सकते हो, बीकॉम ए बीटा टेस्टर। आपको IM IN करके बीटा टेस्टर पे ज्वाइन होना है। ऐसे ज्वाइन होना है। उसके बाद कुछ 5 मिनट बाद आपका ये बीटा वर्जन अवेलेबल हो जाएगा। आप इसको जाके इधर से फिर से इंस्टॉल कर अपडेट कर सकते हो। पहली काम हो गया। अब सेकंड स्टेप जाना पड़ेगा आपको। इधर से ही जाओ आपको गूगल प्ले सर्विस में। गूगल प्ले सर्विस पे जाना है। गूगल प्ले सर्विस का न्यू जो बीटा वर्जन है उसको आपको अपने फ़ोन में इनेबल कर मैंने अपडेट कराना है। तो ये आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आपको यही गूगल प्ले सर्विस को डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल करना है। तो मैं अभी इंस्टॉल मेरा ऑलरेडी है, मैं नहीं करता, बैक कर देता हूँ। तो डाउनलोड हो जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग पे। और गूगल ऐप जो मैं बोला था बीटा वर्जन उसको भी आपको अपडेट कर लेना है। उस टोटल डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग का काम फिनिश हो जाने के बाद आपको जाना है आपका एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन में जाना है आपको। जाने के बाद आपका डाउनलोडेड एप्लीकेशन पे ये आ जाएगा। आपको इधर जाके क्लियर कैश करना है और मैनेज पे जाके इस दोनों को ही क्लियर कर देना है। क्लियर ऑल डाटा कर देना है।
और आपका एक गूगल प्ले सर्विस का भी, गूगल प्ले सर्विस का यदि क्लियर कैश का ऑप्शन आता है तो आपको क्लियर कैश कर देना है। उसके बाद मोबाइल को रीबूट करना है, आपको मोबाइल को रीबूट करना है, इधर रीबूट रीबूट करना है। उसके बाद रीबूट करने के बाद होम बटन प्रेस करने से आपका कुछ ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन को आपको मैंने फिल अप करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, वॉइस डिटेक्शन होगा, ओके गूगल बोल के 3 बार आपको बोलना है। उसके बाद आपका गूगल असिस्टेंट चालू होगा। आपका वॉइस डिटेक्शन नहीं आता तो आप यहाँ से जाके सेटिंग पे वॉइस पे ये ओके गूगल डिटेक्शन पे जाके आपको ऑन करना है, और 3 बार आपको ओके गूगल बोल के सेट करना है अपने वॉइस को। तो आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।